ये है गांव धारसुल जो टोहाना में पड़ता है, और ये जो खुशी और जोश की लहर आप देख रहे हैं ये जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली की जनसभा की है। और इस जनसभा को देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देवेंद्र सिंह बबली की लहर गांव गांव में किस कदर लोगों में है। यहाँ के लोगों ने नाच गाकर देवेंद्र सिंह बबली का स्वागत किया। वहीं जब देवेंद्र सिंह बबली गांव में पहुंचे उस वक्त लोगों में जो जोश था वो ऐसा बयां कर रहा था जैसे कि उनका नेता उनके बीच में पहुंच गया हो। कि लंबे समय से टोहाना हलके की 36 बिरादरी की सेवा करने का मौका हमें मिला, मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूं। और यहाँ वैसे तो पूरे टोहाना हलके की हमारे गाँव की टीम, सारे गाँव की टीम एक से एक बढ़ के काम करती है, लेकिन हमारे धारसुल कला और खुर्द की जो टीम है ये काफी अग्रणियों के काम करती है, उनके लिए भी स्पेशल तालियां बजाऊंगी। और मैं उन सभी साथियों के लिए भी, उनसे भी, उनका भी धन्यवाद भी करूंगा जो भी फैसला मैंने लिया आज तक का टोहना हलके का, हमारे उन संघर्ष के साथियों के आदेश पर लिया। पहले आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर हलके की सेवा करवाई, उसके बाद आप लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़वाया, एक सम्मानजनक वोट हलके ने में दिया, लेकिन हम चुनाव नहीं जीते। उसके बाद सभी साथियों का फैसला था कि कांग्रेस में जाके कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, हमने कांग्रेस ज्वाइन की, राहुल गांधी से मिलकर ज्वाइन की थी, और एक वचन लिया था कि हम टोहाना की राजनीति करेंगे, टोहाना के लोगों की सेवा करेंगे। और उन्होंने मुझसे एक सवाल भी पूछा था कि टोहाना में ऐसा क्या है, मैंने कहा जी टोहाना मेरी जन्मभूमि है, और टोहाना में मेरे खिलाफ प्रचार करने मोदी साहब गए पार्लियामेंट में, अमित शाह जी टोहाना गए, उस टाइम में कांग्रेस में नहीं था, इंडिपेंडेंट था, पूरी कांग्रेस मेरे खिलाफ आई, मैं उस टाइम तो इनेलो पार्टी थी, वो भी अपने कैंडिडेट के उस टाइम निशान सिंह जी थे, उनके वो उनके भी सारे के सारे नेता है, उसके बावजूद भी टोहाना हलके की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनको मजार में छोड़ के नहीं आ सकता, इसलिए मेरे टोहाना से चुनाव लड़ना जरूरी है। साथियों पार्टी के लिए खूब काम किया, आप लोगों ने भी हमारा खूब साथ दिया, पूरे टोहाना हलका की जनता की भावना थी, मेहनत हमारी थी, लेकिन जो होता अच्छे के लिए होता है, समय बलवान है, इंसान बलवान नहीं होता। जब हम दिल्ली में थे, जितनी अपनी बड़ी यहाँ जनसभा आज है, लगभग लगभग इतने आदमी उस दिन दिल्ली में पहुंचे हुए थे, सारे साथी सबको टीस थी, दर्द था कि हमारा जैसे किसी ने हक छीन लिया हो। मैंने कहा हमने शांति से काम लेना है, हमें हमारे दुष्यंत जी का फोन आया, उन्होंने हमें कहा कि अगर आप समझे, सही समझे, और आपके साथी साथी आपको अनुमति दे तो आप जैसी पार्टी से आके चुनाव लड़ सकते। मैंने उनसे कहा दुष्यंत जी मैं पहले हमारे जो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं सरदार निशान सिंह से बात करना चाहूंगा, हमने सुबह रात की बात थी, सुबह मेरे भाई साहब से बात की, इन्होंने एक बहुत बड़ा बहुत ही अच्छी बात मुझे कही, बोला देवेंद्र आप मेरे छोटे भाई हो, और ये फैसला दुष्यंत जी का भी है, पार्टी का भी है, बतौर पार्टी अध्यक्ष मेरा भी है, हम आपको मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और साथियों टोहाना हलका की जनता की भावना भी यही थी, आपके राय शुमारी के बाद हमने जेजेपी पार्टी ज्वाइन की, पार्टी ने हमें टिकट दिया, हमने नॉमिनेशन फाइल किया, और उस दिन ही टोहाना हलका की जनता ने दिखा दिया था भाई, पूरे हरियाणा में चर्चा होगी थी, अगर कहीं चुनाव मजबूती से लड़ा जा रहा है तो टोहाना हलका है, और पूरे टोहाना हलके की अगर जनता किसी को आशीर्वाद देना चाहती है तो आपका भाई बेटा देवेंद्र सिंह बबली है, अपना चुनाव चिन्ह चाप भी है जी, पहले वो कड़िया हाथी के मेरा कब्जा बढ़ा है, कड़िया दिख जाना उन्हें फूक दियो, क्या देखो चाबिया, हाँ यारी यहाँ भाई मैं लोग क्या करता, यह पकड़ा तो नहीं निशान सिंह जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, ताला खुलेगा तारी वोट की ताकत से चंडीगढ़ की विधानसभा का, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मुझे कामयाब बनाए, आप सबका बहुत बहुत आभार, जय हिंद जय भारत। छोटे भाई देवेंद्र बबली जी, साथ आए हुए सभी नेतागण, गांव के बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों,
देवेंद्र बबली जी ने आपके समक्ष वोट की अपील भी की और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बारे में भी बताया कि कैसा चरित्र है उन पार्टियों का। मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूँ, 21 तारीख को आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे और निर्णय लेंगे, जो हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि हम पीछे चोट खा चुके। पिछले 5 वर्षों में जो सरकार रही, खट्टर साहब की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरीके के उसने काम किए हैं, वो मेरे कहने की बात नहीं। अब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको पता चलता है कि किस तरीके से काम किए हैं। सबसे पहले तो सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, किसान को कहा तेरी आमदन दुगनी कर देंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एक बहुत पुराना मुद्दा है, और वो मुद्दा ऐसा है कि अगर वो लागू हो जाती है तो किसान की जो मूल्य है, लागत मूल्य, वो जोड़ करके MSP बढ़ती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये मान के चले थे कि दुगने पैसे किसान को उसकी मेहनत के मिल सकते। वो वायदा किया, नौजवानों से वायदा किया कि आपको नौकरी देने का काम करेंगे, 2 लाख नौकरियां सालाना। हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को कहा कि आपको सुरक्षा देंगे, और ये भी कहा कि जो हमारा गरीब है, BPL होल्डर है, जो काले धन का पैसा आएगा, उस पैसे में से 15-15 लाख रुपए आपके बैंक खाते में डाला जाएगा। मैं 5 बातों के बारे में आपसे पूछता हूँ। बड़ा गांव है हमारा, बहुत आदरणीय गांव है, कि किसी किसान की क्या इनकम दुगनी हुई? आज सभी किसान बैठे, मैं तो किसान हूं, मेरी तो नहीं हुई। ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, ना महिलाओं को सुरक्षा मिली। आज टोहाना जाके देखे हमारी बहन बेटियां, वहां पर्स खोसने वाले, चेन स्नेचिंग करने वाले, इनके कानों में से सोने के जेवर उतारने वाले तैयार बैठे रहते। आज शहरियों को, व्यापारी को लूटने वाले लोग, जिस तरीके से ये मान के चले कि प्रशासन के साथ उनकी हिस्सापत्ती हो, कभी कोई आज तक पकड़ा नहीं गया, ना उन नौजवानों को नौकरियां मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा।